नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNH दृष्टिकोण में। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि ये फरवरी 2022 का अंत होने जा रहा है और कोविड महामारी को 2 साल 2 महीने हो गए हैं। और वैश्विक स्तर पे आप देखें तो भले ही कई देशों में, अधिकांश देशों में ऐसा खतरा कम हुआ हो, लेकिन अभी भी आपको मालूम है कि अभी अभी दुनिया के बहुत सारे देश ओमिक्रॉन वेव का कहर स्वास्थ्य व्यवस्था ने झेला है। गनीमत है कि पहले वाली जो लहर थी, चाहे वो डेल्टा की रही हो या उसके पहले कोरोना की लहर रही हो, उसके मुकाबले शायद अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की ज़रूरत और कोरोना से संबंधित मृत्यु दर ये कम रहा ओमिक्रॉन वेव में। लेकिन संक्रमण की संख्या चरम छू गई। इतना तो किसी भी वेव में 24 घंटे में संक्रमण नहीं हुए नए जितने ओमिक्रॉन वेव में हुए। तो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि वैक्सीन की बहुत बात होती है, जो ज़रूरी है कि हर पात्र इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो अमीर देश में हो या गरीब देश में, उसको उसका पूरा टीकाकरण समयबद्ध तरीके से हो और बूस्टर आदि लगे जितनी उसे ज़रूरत है, और बाकी सारी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की सेवाएं मिलें। इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं। कोरोना महामारी ने हम लोग को ये दिखाया है फिर से कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था, बराबरी और सामाजिक न्याय की नींव पर नहीं टिकी होगी, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था दोहरी किस्म की होगी कि गरीब लोगों के लिए जर्जर और अमीर लोगों के लिए बढ़िया वाली महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था, लेटेस्ट वाली, तो इस तरीके की महामारी का प्रकोप और स्वास्थ्य का जो आपात स्थिति है वो उत्पन्न होती रहेगी। और ये सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी बहुत ही दुखद रहे। तो ज़रूरी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सशक्त हो। तो वैक्सीन लगे, लेकिन वैक्सीन लगे के साथ साथ एक और संदेश काफ़ी कमज़ोर होता चला जा रहा है, और वो लेकिन सबसे बहुत ज़रूरी संदेश है, और वो है मास्क का। देखिए, मास्क के बारे में हम लोग इस बात पे बहस कर सकते हैं कि कौन सा मास्क बेहतर है, ज़्यादा बचाता है N95 आदि, और कौन सा N95 की तुलना में या बेस्ट मास्क की तुलना में थोड़ा कम बचाता है, कपड़े आदि के मास्क, या कौन से मास्क खामियाँ हैं आदि आदि। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मास्क के बारे में जागरूकता समाज में, दुनिया में, पर शायद संभवतः हर देश में आप देखेंगे कि लोगों को ये हो गई, और ये एक महामारी के शुरू से ही हो गई। मुझे याद है कि जनवरी 2020 में जब कोरोना महामारी हुई, तो मैं तो थाईलैंड के बॉर्डर पे था, जो उत्तरी बॉर्डर है, और जो चाइना से, तो बेसिकली वहाँ वुहान से भी लोग आते हैं, तो वहाँ पे स्केयर ज़्यादा था। तो मैंने ये बात वैसे भी वहाँ पे पहले से ही संस्कृति है वहाँ, मास्क पहनने की संस्कृति रही है कोरोना महामारी के पहले से भी, जापान में, थाईलैंड में, चाइना में और अन्य देशों में, दक्षिण कोरिया हुआ, वहाँ मास्क पहनने की प्रवृत्ति का संस्कृति रही है, और लोग अपनी साफ सफाई के लिए, कुछ लोग धर्म को लेके, कुछ लोग संक्रमण नियंत्रण की दृष्टि से, लेकिन मास्क पहनते हैं, और ये एक आम बात है और इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, लोग मास्क वहाँ पहनते आए हैं। लेकिन मास्क पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। मुझे याद है मेरी आदत नहीं थी मास्क पहनने की, तो जनवरी 2020 में वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मुझे कई बार टोका और मास्क उपलब्ध करवाया कि मैं मास्क पहनूं। और तो ये बात ज़रूरी है कि समझना कि मास्क एक की जो जागरूकता है कि मास्क क्यों पहनना चाहिए, वो काफ़ी हद तक पहुंच गई और लोगों को इतना समझ में आ गया कि नाक और मुंह ढकना है। और मार्च 2020 में लखनऊ में मुझे याद है कि जब अकस्मक
सामान आदि लेने के लिए बाहर जाना होता था तालाबंदी में, तो मुझे दिखते थे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो भी मुझे दिखते थे कि वो या तो अपने किसी कपड़े से जो उन्होंने पहन रखे हैं उसी से ही साड़ी या दुपट्टा या गमछा या कोई चीज़ से उन्होंने मास्क अपना मुंह ढक रखा है, या तो लोग हर तरीके का प्रयास कर रहे थे कि उनका मुंह ना ढके रहे। तो मास्क की प्रवृत्ति की जागरूकता भी हो गई और संस्कृति भी इस तरीके से हो गई कि अब मास्क में पहनते, मैं तो 2 साल से ऊपर हो गया मुझे मास्क पहनते हुए नियमित रोज़ाना घंटों, तो मुझे तो कोई झिझक नहीं है अब पहली बार ज़िंदगी में कि मैं मास्क पहन रहा हूँ, और हो सकता है कि कोरोना के बाद भी मैं मास्क पहनता रहूँ अगर बचा तो, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। और एक और फ़ायदा और है, वो थोड़ा हल्का फ़ायदा है लेकिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा कि जाड़े में तो और ही अच्छा है क्योंकि ऊपर टोपी है और यहाँ मास्क है, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे जाड़े में भी। लेकिन ये तो हल्की बात हो गई, लेकिन महत्व की बात यही है कि संक्रमण नियंत्रण के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है मास्क पहनना, और मास्क को सही तरीके से पहनना। तो मास्क में नाक और मुंह ढका हो, यहाँ जो बॉर्डर्स हैं ये सब सील होने चाहिए, देख बिल्कुल ध्यान रखिए कि खुला ना हो यहाँ से कहीं, और यहाँ अगर नोज़ क्लिप हो तो और ही अच्छा है। और तो मास्क सही तरीके से पहने, और बहुत यहाँ से आप ऐसे रखें कि कान पे बहुत कष्ट ना हो, तो ये इन सब बातों का ध्यान रखें। लेकिन अगर आप मास्क नियमित पहनेंगे, सही तरीके से पहनेंगे, तो ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। तो मूल बात ये है कि देखिए मास्क लोग जान गए हैं, मास्क क्या है, क्यों पहनना चाहिए। अधिकांश लोगों के पास कम से कम जो सक्षम लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, उनके पास मास्क है और ढेरों मास्क हैं। तो जो सामर्थ्यवान लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देखता हूँ लोग ड्रेस मैच करके मास्क पहन रहे हैं, अगर आप बाज़ार में निकल जाएं और आपको दिख जाएंगे ऐसे लोग। तो और जो लोग सामर्थ्यवान नहीं हैं, जिनके पास साधन थोड़े कम हैं या सीमित हैं, तो उनको भी मास्क फ्री में दिया गया है। और अगर नहीं दिया गया है तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे संक्रमण नियंत्रण हो सकता है, और संक्रमण होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। ये काफ़ी प्रभावकारी है अगर सही तरीके का मास्क हो, 3 लेयर वाला, उसको आप नियमित धो के पहने, तो एक नहीं 2 होने चाहिए, मेरे पास भी 2 हैं, क्योंकि कई बार रात में धोइए तो सुबह सूखता नहीं है। तो उस स्थिति में मैं दूसरा मास्क पहन सकता हूँ, और एक मैंने ये सर्जिकल मास्क ले रखा है फार्मेसी से, जो जिसका उपयोग मुझे तब करना होता है दोहरे मास्क की तरह, जब अस्पताल आदि में जाना होता है या कहीं ऐसी जगह जाना होता है जहाँ कोरोना संक्रमण बंद कमरे में काफ़ी लंबे समय रहना है और सामाजिक दूरी आदि बनाना बहुत ही संभव नहीं है यात्रा आदि में, तो वो सही रहता है। तो मैं फिर इसी बात पर आता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़, मास्क पहनना बहुत अच्छा काम है, और जब सही तरीके से मास्क पहने हम लोग, और जहाँ तक संभव हो उसको मास्क पहने। अगर आप घर में मास्क पहने हैं तो कम से कम जो घर के अन्य सदस्य हैं उनकी दृष्टि से, उनके अगर आप संक्रमण नियंत्रण की दृष्टि से देखें, तो ये कितनी अच्छी बात है कि जिन लोगों को कि अगर घर के अंदर भी लोग मास्क पहन रहे हैं, तो जहाँ जहाँ संभव है, जहाँ संभव नहीं है खाना खाते वक्त, या अगर नहीं पॉसिबल है तो बात अलग है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो लाभ भी आप ही को मिलेगा, ये बात मैं कहना चाह रहा था, दोहराना चाह रहा था। तो ये एक डूएबल चीज़ है। तो वैक्सीन लगने से कोरोना से संक्रमण जब हो जाता है, जब बीमार हो जाता है व्यक्ति, तो उसके उसको गंभीर रोग होने की संभावना और मृत्यु होने की संभावना ये काफ़ी कम रहती है। लेकिन अगर वो मास्क पहने हैं तो उसे कोरोना होने की ही संभावना, संक्रमित होने की ही संभावना कम होती है। और ये बहुत सी बातों में निर्भर है कि मास्क हम ठीक से पहने या नहीं पहने, किस प्रकार का मास्क पहने, हर समय पहने हैं लेकिन जब भीड़ वाले मुद्दे पे
कैंटीन में कहीं पर हम लोगों ने मास्क हटा दिया, मास्क कैसे छुआ, अगर मैं मास्क के बाहरी सरफेस को छू रहा हूँ और वही हाथ फिर मैं मेरे मुंह में जा रहा है या नाक में जा रहा है या आँख में जा रही लग रही है तो इससे संक्रमण फैल सकता है। तो ये अगर आप सारी बातों का ध्यान दें तो एक बात ये तय है कि हम लोग मास्क बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक ऐसा जन स्वास्थ्य तरीका है कि हम लोग हमारा अपना निजी लाभ भी है और बड़े पैमाने पे संक्रमण नियंत्रण की दृष्टि में भी, ना केवल कोरोना बल्कि जितने भी और संक्रमण हैं जो इस तरह से फैलते हैं सांस आदि से, ट्यूबरकुलोसिस आदि, उन सब उस दृष्टि से भी काफ़ी लाभकारी रहेगा। इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पर ख़त्म करता हूँ और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे किसी और अन्य मुद्दे पर जिसने हमें सोचने पर विवश किया। बहुत बहुत साधुवाद, अपना ख्याल रखें और मास्क पहने जहाँ तक संभव हो उसको पहने, घर के अंदर भी जहाँ तक पॉसिबल हो पहने, अच्छी चीज़ है, और जहाँ और ठीक तरीके से पहने। बहुत बहुत शुक्रिया।